नमस्कार, वेलकम टू एक्स सर्विस मैन इंडिया यूट्यूब चैनल। इंडियन आर्म फोर्सेस में ज्वाइन करना कोई नौकरी नहीं है, ये एक सर्विस है, इसलिए इसे सर्विस कहा जाता है, जॉब नहीं कहा जाता है। जॉब में रिलेशन होता है एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर का, और वहाँ पे एम्प्लॉई काम करते हैं और एम्प्लॉयर से पैसा लेते हैं, इसके अलावा बाकी कोई रिलेशन उसमें नहीं रहता है। पर आर्म फोर्सेस में जो लोग काम करते हैं वहाँ पे केवल और केवल मात्र पैसे का रिलेशन नहीं है, ये एक रिलेशन है अपने देश के लिए खुद का ज़िंदगी को सेक्रीफाइस करना। हाँ दोस्तों, जॉब में कोई अपने ज़िंदगी को सेक्रीफाइस नहीं करते हैं, पर जो आर्म फोर्सेस है वो अपने ज़िंदगी सेक्रीफाइस करने के लिए ही प्रमित रहते हैं और करते भी हैं। हजारों शहीद देश के लिए अपना जान कुर्बान करके देश की रक्षा करते हैं, तभी तो हम चैन का नींद सो पाते हैं। कितने सारे ऑड सिचुएशन है, कितने एडवांस कंडीशन है, यहाँ पे एक फौजी काम करते हैं, पर कितना भी सिचुएशन ऑड हो, कितना भी क्लाइमेट और पॉलिटिकल कंडीशन एडवांस हो, पर हर जगह में बरकरार रहता है उनका डिसिप्लिन, उनका जो चरित्र का मजबूती, उनका जो पुरुषार्थ, वो कभी कहीं कम नहीं होता है। उनका मैनर ऑफ मैनेजिंग सिचुएशन, उनका जो ऑर्गेनाइजिंग पावर, वो समय का साथ साथ बढ़ते जाता है, सर्विस बढ़ता है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, ऐसी उनका ऑर्गेनाइजिंग पावर, उनका लीडरशिप स्किल, उनका इंटीग्रिटी एंड ऑनेस्टी और उनका टोटल लाइफस्टाइल मैनेजमेंट इम्प्रूव होता जाता है। ट्रेनिंग चलता है लगभग थ्रूआउट द कैरियर, ऐसी जो ट्रेनिंग वो एक फौजी को, एक आर्म फोर्सेस पर्सनल को एक लर्निंग हैबिट बना देता है। जब वो रिटायर होते हैं तब भी वो हैबिट उनमें रहता है चीज़ों को सीखने का, चीज़ों को ऑब्जर्व करने का और नई चीज़ों में अपना क्रिएटिविटी को एक्सप्लोर करने का, एक जो टेंडेंसी है, एक जो स्वभाव है उनमें विकसित होता है। उनका जो आयरनिकल करेक्टर होता है वो समाज के लिए एक एग्जेम्पलरी साबित होता है, और ऐसे ही वो जब रिटायरमेंट का बाद सिविल में आते हैं, वो या तो फिर सेल्फ एम्प्लॉयड रहते हैं या फिर कोई स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन में एक नौकरी ज्वाइन करते हैं, या फिर समाज के लिए काम करते हैं, जैसे कोई पॉलिटिक्स में गया, कोई सोशल सर्विस में गया, इस तरह का कोई एनजीओ में ज्वाइन किया, इस तरह का जो भी काम करते हैं, जहाँ भी जाते हैं वो अपना फुटप्रिंट रख के जाते हैं, जिसको देख के आप पहचान सकते हैं कि ये एक फौजी ही था, क्योंकि उनका काम करने का जो तौर तरीके होते हैं, उनका किसी भी चीज़ों को डील करने का जो तौर तरीके होते हैं, ऑर्गेनाइज करने का, उनका लीडरशिप स्किल जो होते हैं वो बाकी सबसे अलग होते हैं। सो फ्रेंड्स, आप ये सोच रहे होंगे कि ये सब बातें हमें पता है, आप क्यों बता रहे हैं, आप नई चीज़ क्या बता रहे हैं। हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सोचा, हम ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि एक आर्म फोर्सेस वेटरन का पास इतने सारे क्वालिटीज जो है, एक जो एसेट है कंट्री के लिए, वो कहाँ इन्वेस्ट होता है, हर साल 50 से लेकर के 55,000 आर्म फोर्सेस पर्सनल जिनका एनी फॉर्म रिलीम्पीस होता है, यानी कि डिस्चार्ज होके सिविल में आते हैं, ये जो मैन पावर है वो आके कहाँ जाते हैं, तो इंडिया में ही रहते हैं ना, 99.9% तो इंडिया में ही रहते हैं ना, तो देश के लिए जब वो यूनिफॉर्म थे तब भी देश के लिए लड़े थे, और जब यूनिफॉर्म रिलिंक्विश हो जाता है, जब सिविल में रिटायर होके आते हैं, तब भी ये जो करेक्टरिस्टिक उनमें है, ये जो क्वालिटीज़ जो मैंने आपको इतने सारे बताया, ये सारी क्वालिटीज़ कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं ना, अपने देश में ही इन्वेस्ट करते हैं ना। तो क्या हुआ, उनका जो क्वालिटीज है वो राष्ट्र निर्माण के लिए एक बहुत बड़ा एसेट है,
और इसी एसेट का अगर सदुपयोग सही एप्लीकेशन हमारा गवर्नमेंट, हमारा देश नेता, ये सब लोग अगर इसका सही इस्तेमाल करें तो हमारा भारत भी सोने का भारत बन सकता है। हाँ दोस्तों, आप सोचिए, हर साल 55,000 ट्रेंड पीपल, डिसिप्लिन पीपल, लीडरशिप स्किल्ड पीपल जॉब आपके देश में सिविल में आ रहे हैं, जिनको नौकरी चाहिए होता है, और उन्हें अगर सरकार अपने काम में लगा सकते हैं तो इस देश का भाग्य बदल सकता है। आप में से जो एक सर्विसमैन है, आप जहां कहीं भी काम कर रहे हैं, आप एक्सपीरियंस किए होंगे कि आपका जो काम करने का तौर तरीके हैं, लोगों से बातचीत करने का जो तौर तरीके हैं, डील करने का किसी भी चीज़ का जो तौर तरीके है, वो बाकी लोगों से अलग है। आपका जो प्रोडक्टिविटी है वो भी अलग है, आपका ऑर्गेनाइजेशन का प्रति जो इफेक्टिवनेस है वो भी एक अलग है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में जो मेन कहने का था वो ये है कि एक सर्विसमैन जहाँ कहीं भी जाते हैं वहाँ अपना फुटप्रिंट रखते हैं, उनका जो काम करने का स्पेशल एक अलग दर्जे का जो डीलिंग कैपेसिटी है वो वहाँ पे उसको अप्लाई करते हैं और देश निर्माण में सहायता करते हैं। ऐसे ही हम सब एक सर्विसमैन करते रहेंगे, अपना जो फुल पोटेंशियल उस वो हम अप्लाई करेंगे और देश को और आगे बढ़ाएंगे, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी एंड आवर लीडरशिप स्किल के साथ। हम किसी भी फील्ड में हैं, चाहे कोई भी फील्ड हो, उस फील्ड में हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी को इंश्योर करेंगे, मैक्सिमम अचीव करेंगे, ताकि हमारा जो फ्यूचर सिटीजन है, हमारे घर में जो फ्यूचर सिटीजन जिनको हम पाल रहे हैं, वो भी हमसे देखकर सीखे और अपनी जिंदगी में हमेशा एक कदम आगे रहे। यही तो हमारा मेन रोल है। हम अपने आप को अगर एक एग्जेम्पलरी करेक्टर उनके सामने खड़े कर सकेंगे तो अगला भी जब एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा तो आपका फुटप्रिंट को ही फॉलो करते हुए एक मजबूत सिटीजन बनेगा।
रिजर्वेशन के लेके जो मूवमेंट चल रहा है उसमें कई सारे एजिटेशन हुआ है, पब्लिक प्रॉपर्टी जलाया गया, स्ट्राइक किया गया, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया गया और सरकार को ये धमकी दिया गया अगर रिजर्वेशन नहीं देंगे तो हम वोट नहीं डालेंगे। तो इस तरह का हुमकी, इस तरह का जो हरकतें जो है, ये मैं तो ये कहूँगा ये सारी चीज़ें मुझे तो नहीं लगता है कि एक रेस्पॉन्सिबल सिटीज़न की ओर से ये कुछ सही हुआ है। ऐसी गवर्नमेंट को डरा के, धमका के, एजिटेशन करके अपना अधिकार लेना, ये कोई एक सर्विसमैन फ्रेटर्निटी नहीं कर सकता है। और नहीं कर सकता है इसीलिए आज भी वन रैंक वन पेंशन सही महीने में लागू नहीं हो पाया। कोर्ट के दरवाजे खटखटाए, सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर आने का बाद भी ये ऑर्डर लागू नहीं हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का जो अपना डिसीजन है वो डिसीजन गवर्नमेंट का जो हायर लेवल में है वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो पाया। इसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकता है और होंगे ज़रूर, पर वो रीज़न जो भी हो, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, जो भी रीज़न हो, एक चीज़ उसमें कॉमन है कि एक सर्विसमैन अपना डिसिप्लिन, अपना मैनर और अपने एक जो चरित्र का पुरुषार्थ वो कभी भी विसर्जन नहीं देते हैं। हमेशा डिसिप्लिन में रहना और हमेशा कानून के दायरे में रहकर चलना, जो चीज़ फौज में सीखा है ऐसे ही चलना, इसी चीज़ का वजह से हमें ज़रूर कुछ ना कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है, जैसे वन रैंक वन पेंशन का सेक्रीफाइस। पर दोस्त, एक साल, दो साल, दस साल जाएगा, एक दिन हमें अपना हक तो मिलना ही मिलना है, क्योंकि अगर आप सही राह पर चलेंगे, सही रास्ते पर चलेंगे तो भगवान भी आपके साथ होंगे। आप गलत रास्ते पर चलेंगे आपको उस समय के लिए तो कुछ फायदे मिल जाएंगे पर आपको बाद में पछताना पड़ेगा। इसलिए हमें जो मिला है वो भी सही है, जो नहीं मिला है वो भी सही मानकर चलेंगे। हाँ, ऐसे नहीं है कि हाथ में हाथ रखकर चुपचाप बैठ जाएंगे, इसके लिए हमें मूवमेंट करना है। हमें जो अथॉरिटी को हमारा डिमांड बार बार याद दिलाना है और जो लीगल वेज में जो चलना है, कानून के दायरे में रहकर जो मूवमेंट करना है वो भी हम करते रहेंगे और करते आ रहे हैं। ऐसे ही एक डिमांड है रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन का पे फिक्सेशन, जो कि पिछले 35 इयर्स से पेंडिंग है। 1986 का बाद पे फिक्सेशन बेनिफिट जिस वर्ग के लिए एबोलिश कर दिया गया। पहले इतना जागरूकता जैसे उस वार में नहीं था, इसलिए कोई मूवमेंट नहीं हो पाया, कोई एजिटेशन नहीं हुआ और ये जो अन्याय जैसे उस वर्ग रीएम्प्लॉयड जैसे उस वर्ग के साथ चलते आ रहे सालों साल से वो रिड्रेस नहीं हो पाया। अब 2010 का बाद जब इंटरनेट सबका हाथ में आया, लोगों में अवेयरनेस आया, तो DOPT का साथ कई बार मीटिंग का बाद फिर फाइनलाइज हुआ। फिर DOPT ने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये जो मॉडलिटीज ऑफ पे फिक्सेशन है इसमें भेदभाव किया गया, ऑफिसर्स का साथ कुछ है और जैसे उस वार का साथ कुछ है, ऑफिसर्स को लास्ट पे ड्रॉन दिया जा रहा है और जैसे उस वार को नहीं दिया जा रहा है, तो ये भेदभाव रहना ठीक नहीं है। इस चीज़ को एग्री किया और उन्होंने ऑर्डर भी ऑलरेडी तैयार कर दिया। जब रह गया वो फिनेंशियल सेंक्शन का स्टेज पे, जब फिनेंशियल सेंक्शन आ जाएगा उम्मीद है गुड न्यूज़ मिलेगा पे फिक्सेशन ऑफ रीएम्प्लॉयड एक सर्विसमैन का। तो इसी तरह बहुत सारे इशूज़ हैं, हाँ, जो इशूज़ बहुत दिनों से पेंडिंग है। उम्मीद करते हैं कि अगर हम लोग सही रास्ते में जाके मूवमेंट करेंगे तो एक दिन ये सारे इशूज़ सॉल्व होगा। हमारा जो डिमांड है, जो अगर वो डिमांड लेजिटिमेट है तो ज़रूर मिलेगा। इंडियन आर्मी का जो टीचिंग है, इंडियन आर्मी का जो प्रिंसिपल्स है, इंडियन आर्मी से जो डिसिप्लिन जो हम सीख के आए हैं उस पर भरोसा रख के हम आगे बढ़ेंगे और ज़िंदगी में सफल होंगे।
ये उम्मीद करते हुए आप सबसे निवेदन है, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।